नवजोत सिंह सिद्धू जो पूरी तरह खामोश हो बैठे थे, नवजोत सिंह सिद्धू जिनकी पुकार सुनाई नहीं दे रही थी, नवजोत सिंह सिद्धू जिनका कोई खबर नहीं आ रही थी सामने, नवजोत सिंह सिद्धू जिनसे जुड़े कोई चर्चे नहीं हो रहे थे, कयासों का दौर जारी था, लेकिन गुरु खामोश थे। अब खामोशी टूटी है, लेकिन खामोशी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के जरिए टूटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मेघा। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नाम, पार्टी से अलग तक होने वाले हैं, ऐसी खबरें तक आने लगी थी। नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह गायब हैं। उनके घर के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो दफ्तर हैं वहाँ तक उनकी उपस्थिति नज़र नहीं आई। अपना नया कार्यभार नवजोत सिंह सिद्धू ने नहीं संभाला। राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी खबर है। इसे लेकर तमाम कांग्रेसी नेताओं के बयान सामने आ रहे थे, लेकिन सिद्धू खामोश थे। अब खामोशी टूटी है, लेकिन जरिया बनी है सिद्धू की धर्मपत्नी। सिद्धू की धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू जो हैं मीडिया से रूबरू हुई हैं, और इसी दौरान उन्होंने सिद्धू का मत क्या है राहुल गांधी के इस्तीफे पर वो बताया। कहाँ गायब है नवजोत सिंह सिद्धू, कहाँ चले गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, अपनी जिम्मेदारियों से भागकर वो क्या कर रहे हैं और जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? ऐसे कई सवाल नवजोत कौर सिद्धू से किए गए, ऐसे कई सवालों का सामना नवजोत कौर सिद्धू से हुआ, और इन सवालों के जवाब में उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। बता दें आपको, नवजोत कौर सिद्धू के एक बार फिर चर्चा में आने का इंतजार जनता कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू कब अपनी चुप्पी तोड़कर अपना फैसला यहां पर सुनाएंगे, कब अपनी चुप्पी तोड़कर अमरिंदर सिंह के तमाम इल्जामों का जवाब देंगे, नया विभाग संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे, राहुल गांधी जो काफी ज्यादा करीब सिद्धू के माने जाते हैं उनके इस्तीफे पर सिद्धू क्या कहते हैं, कई तरह की बातें जनता जानना चाहती थी और जनता को उनके तमाम सवालों का जवाब मिला है। तो क्या हुआ जो ये जवाब सिद्धू के मुंह से नहीं बल्कि उनकी पत्नी के मुंह से मिला है, नवजोत सिंह सिद्धू हो या नवजोत कौर सिद्धू, जवाब जनता को मिला है। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या कुछ सिद्धू के परिवार की ओर से उनकी पत्नी के जरिए सामने आया है, देखिए जरा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कांग्रेसी खेमे से आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी की ओर से आ रही है, और इस खबर के तार पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जुड़े हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि यहां पर सिद्धू पार्टी से अलग हो सकते हैं। खैर, पार्टी से अलग होंगे सिद्धू, खबरें ऐसी आ रही थी, लेकिन फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू से हटकर राहुल गांधी ने खुद को पार्टी से अलग कर लिया है। राहुल गांधी ने खुद को पार्टी से दूर कर दिया है। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया है। अब आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, आगे आने वाले वक्त में कौन से नए मोड़ यहां पर पार्टी लेगी, इन सब के बीच में इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे नवजोत सिंह सिद्धू जो बीते काफी टाइम से गायब चल रहे हैं उनका बड़ा बयान। हालांकि ये बयान सिद्धू की तरफ से नहीं आया, सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने ये बयान दिया है। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने ऐलान किया है सिद्धू की तरफ से। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद को लेकर नवजोत कौर सिद्धू कहती हैं कि राहुल गांधी का अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना हैरानीजनक है, हालांकि यह उनका निजी फैसला है। यहां उक्त शब्द अमृतसर के चमरंग रोड आग पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंची थी नवजोत कौर सिद्धू, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात की और कहा, राहुल गांधी में सबका अटूट विश्वास है, वो हमेशा उनके साथ है, राहुल को अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए नसीहत नवजोत कौर सिद्धू ने दी है। राहुल गांधी को नवजोत कौर सिद्धू ने कहा है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार फिर अपने बारे में सोच लें, पार्टी के भविष्य के बारे में सोच लें, जोश में होश मत खोएं, ऐसी सीधी सीधी नसीहत नवजोत कौर सिद्धू ने दे दी है। और जब यहाँ पर नवजोत कौर सिद्धू से सिद्धू को लेकर सवाल किया गया जो गायब चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू धार्मिक व्यक्ति हैं, आजकल माता वैष्णो देवी में पूजा अर्चना करने गए हैं, जब उनके पास कोई काम नहीं होता तब वो पूजा पाठ करते हैं। नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा बयान, पति नवजोत सिंह सिद्धू गए हैं वैष्णो देवी, जबकि बीते कल ही कांग्रेस के एक करीबी नेता ने जो नवजोत सिंह सिद्धू के काफी करीब हैं उन्होंने बताया था कि सिद्धू गए हैं चंडीगढ़, फिर किसी ने कहा कि सिद्धू अमृतसर गए हैं।
लगातार खबरें आती जा रही हैं, सिद्धू की मौजूदगी का एहसास किसी को नहीं हो रहा। लगातार नवजोत सिंह सिद्धू गायब हैं, लेकिन सिद्धू के गायब हो जाने के बीच में राहुल गांधी के लिए नवजोत कौर सिद्धू ने अपने पति की ओर से ये बात कह दी है कि इस्तीफा नहीं होना चाहिए, राहुल गांधी को अब भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, राहुल गांधी को अब भी अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए, इतनी जल्दबाजी में किसी तरह का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि बाद में इसका हर्जाना इन्हें भुगतना पड़ सकता है। अब आगे आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि सिद्धू जो अब तक अपनी पत्नी के माध्यम से राहुल के इस्तीफे पर टिप्पणी करवा रहे हैं, कब खुद सामने आकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे पर कुछ कहते हैं और अपनी राजनीति को लेकर भी जवाब जनता के साथ साथ पार्टी को देते हैं।